जन सरोकार मंच से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कविता जब बोलती है शीर्षक से देवेन जी एक लंबी श्रृंखला चला रहे हैं जो मुख्यतः कविता पे केंद्रित है, और कई कवियों ने इस श्रृंखला के तहत इस मंच पे कविता पाठ किया है। मैं आभारी हूँ जन सरोकार मंच का। और साथियों, मैं चाहता हूं कि इस बार मैं कुछ निजी कविताएं आपसे साझा करूं। हालांकि मैं मानता हूं कि सभी कविताएं निजी होती हैं और कोई कविता निजी नहीं होती है, तो कविता सबके लिए होती है। फिर भी जो एक बिल्कुल निजी अनुभव से उपजी हुई कविताएं हैं वो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो उसमें दो कविताएं हैं जो मैंने उसके लिए लिखी थी, कई कविताएं लेकिन दो कविताएं मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो ये पहली कविता है, अपने पुत्र के लिए मैंने लिखी थी। इसका शीर्षक है लगते जिगर नवल के लिए। तो प्रस्तुत है ये कविता। मध्य रात्रि के पहर जब दुनिया सो रही है तुम्हारे साथ, और शायद तुम्हारी माँ भी सो गई है, मैं तुम्हें सोते हुए देख रहा हूँ। मध्य रात्रि के पहर जब दुनिया सो रही है तुम्हारे साथ, और शायद तुम्हारी माँ भी सो गई है, मैं तुम्हें सोते हुए देख रहा हूँ। तुम्हें सोते हुए देखना बहुत ही रोचक अनुभव है। तुम्हारे रेशमी बालों से खेलना, तुम्हारी मखमली हथेली में अपनी उंगलियां फेरना मेरा प्रिय शगल है। गुदगुदी होने पर नींद में भी मुस्कुराते हो तुम। गुदगुदी होने पर नींद में भी मुस्कुराते हो तुम, और तुम्हारी हंसी मुझे प्रफुल्लित कर जाती है। मैं तुम्हारी उंगलियों से पियानो बजाता हूँ जिसकी धुन सिवाय मेरे किसी को सुनाई नहीं देती। मैं सोचता हूँ कि कैसा हो यदि उंगलियों के रास्ते हम शरीर बदल लें। मैं सोचता हूं कैसा हो यदि उंगलियों के रास्ते हम शरीर बदल लें। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाऊं और तुम मेरा शरीर धारण करो। मैं तुम्हारी तरह अलमस्त जीवन जीऊं और तुम मेरी उबाऊ यांत्रिक जीवन शैली अपनाओ। मैं झूल जाऊं झूलों पर, आइसक्रीम में हाथ सान लूं, जमीन पर लौटूं, चिड़ियों के पीछे दौड़ूं, और तुम ट्रैफिक के शोरगुल से होते हुए मेरे दफ्तर की कुर्सी में समा जाओ। टिपिर टिपिर करें तुम्हारी उंगलियां भी कंप्यूटर के कीबोर्ड पर। सामना करो लोगों के तुच्छ सवालों का, कानों से पियो लोगों की नफरत से सनी बातों का जहर। तुम भी महसूस करो कि इस नश्वर संसार में भी लोग दिन रात धन संपत्ति और जो कुछ मिला है उसके इतर कुछ और पाने की लालसा से किस हद तक ग्रसित हैं। तुम्हें महसूस होगी इस विलक्षण ग्रह की विलक्षणता और दुनिया के इस रूप की व्यर्थता जिसे इस ग्रह के सबसे विलक्षण जीव ने रचा है। तुम्हें महसूस होगी इस विलक्षण ग्रह की विलक्षणता और दुनिया के इस रूप की व्यर्थता जिसे इस ग्रह के सबसे विलक्षण जीव ने रचा है। तुम्हें महसूस होगा कि इतने धनवान होते हुए भी लोग कितने गरीब हैं, इतने समृद्ध होते हुए भी लोग कितने विपन्न हैं, इतने सामर्थ्यवान होते हुए भी लोग कितने लाचार हैं। और इस तरह हम दोनों आगामी जीवन के लिए तैयार हो सकेंगे। तो ये पहली कविता थी जो मैंने अपने पुत्र के लिए लिखी थी। एक और कविता है जो मैं चाहता हूं कि वो भी सुना ही दूं। ये तब की है जब उसने लिखना पढ़ना शुरू किया था, अक्षरों से उसकी दोस्ती शुरू हुई थी, पेंसिल पकड़ना वो सीख रहा था। तब ये मैंने कविता उस निजी अनुभव से उपजी थी कविता, और
ये आपके बीच में मैं रख रहा हूं। इसका शीर्षक है लिखना। लिखना, जो जी में आए लिखना, हुई इमारत जर्जर पूंजीवादी लिखना, एक नई दुनिया जनवादी लिखना, बाजार की नित नई होशियारी लिखना और बढ़ती गरीब की लाचारी लिखना, छोटी होती दुनिया लिखना, बड़ी बढ़ती दिलों की दूरी लिखना, छोटी होती दुनिया लिखना, बढ़ती दिलों की दूरी लिखना, मानव के जीवन में बिखरी खोजें विज्ञानी लिखना, समाज में बढ़ती धर्मांधता को महामारी लिखना, किसान के पैर में फटी बिवाई लिखना, धन्ना सेठों की कमर हुई तिहाई लिखना, दावतों में होती अन्न की बर्बादी लिखना और भात भात कहते मर गई बेचारी लिखना, किसान के पैर में फटी बिवाई लिखना, धन्ना सेठों की कमर हुई तिहाई लिखना, दावतों में होती अन्न की बर्बादी लिखना और भात भात कहते मर गई बेचारी लिखना, किसी देश पर होती बेवजह बमबारी लिखना, किसी देश पर होती बेवजह बमबारी लिखना, निर्दोष मरते बच्चों की बंद हुई किलकारी लिखना, सभ्यता को तबाह करने की साजिश, सभ्यता को तबाह करने की योजना षड्यंत्रकारी लिखना, दुनिया के खनिजों की होती अंधी खींचातानी लिखना, सभ्यता को तबाह करने की योजना षड्यंत्रकारी लिखना, दुनिया के खनिजों की होती अंधी खींचातानी लिखना, तारों की कोई कहानी लिखना, नानी की गोद सुहानी लिखना, तारों की कोई कहानी लिखना, नानी की गोद सुहानी लिखना, किसी यात्रा की तैयारी लिखना, फूलों की एक क्यारी लिखना, किताबों से भरी एक अलमारी लिखना, बाप के कंधों पर बोझ है भारी लिखना, लेकिन माँ की मेहनत सारी लिखना, ढेरों नारे इनकलाबी लिखना, लिखते रहना लिखते रहना। ये कविता थी लिखना। एक कविता और मैं चाहता हूँ सुना दूँ आप लोगों को। ये भी मेरे पुत्र के साथ मेरे संवाद पे आधारित कविता है। ये भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से साझा करूँ। इस कविता का शीर्षक है रोटी। ये मेरे और मेरे छोटे से बेटे जो आज 8 साल का है, ये 3 साल पहले की कविता है, तो 4-5 साल का रहा होगा, उसके और मेरे बीच जो संवाद हुआ था उससे ये कविता उससे इस कविता का जन्म हुआ था। तो इसको भी आप देखें। इस कविता का शीर्षक है रोटी। मेरे बेटे ने पूछा, पापा चुरमुरे वाला तो रोज चुरमुरा खाता होगा। मैंने कहा, नहीं बेटा, वो रोटी कमाने के लिए चुरमुरा बेचता है और वो रोटी खाता है। उसने फिर कहा कि पापा, चाट वाले के तो बड़े मजे हैं, रोज चाट खाता होगा। मैंने कहा, नहीं बेटा, वो भी रोटी कमाने के लिए चाट बेचता है और वो भी रोटी ही खाता है। फिर उसने ऑमलेट खाते हुए कहा कि पापा, अंडे वाला तो जरूर बढ़िया ऑमलेट खाता होगा। मैंने कहा, नहीं बेटा, वो भी अपनी रोटी कमाने के लिए ही अंडे बेचता है और सब्जी ना होने पर अंडे से रोटी खा लेता है। फिर कुछ ठहर कर सोच विचार कर उसने कहा, फिर सबको रोटी कौन देता है? मैंने कहा, हमारा किसान अपनी देह तोड़कर, पसीने से फसल सींच कर, धरती की छाती चीर कर निकाल रहता है रोटी इन सभी के लिए। उसने छूटते ही कहा, तब तो किसान जरूर भरपेट रोटियां खाता होगा। उसने छूटते ही कहा, तब तो किसान जरूर भरपेट रोटियां खाता होगा। अब मैं मौन था। ये कविता थी रोटी। एक कविता है स्मृतियां, जो मैंने अपनी माँ के लिए कुछ कविताएं लिखी हैं। उसमें से ये एक कविता है जिसका शीर्षक है स्मृतियां। तुम्हारी स्मृतियों की कढ़ाई चढ़ी है तुम्हारी ही स्मृतियों की भट्टी पर। तुम्हारी स्मृतियों की कढ़ाई चढ़ी है तुम्हारी स्मृतियों की ही भट्टी पर।
जब ये भट्टी कुछ ठंडी पड़ने लगती है, कोई आता है कहीं से और तुम्हारी स्मृति रूपी कोयले के कुछ टुकड़े, जिन्हें वक्त ने स्याह कर दिया है, डाल देता है स्मृति की भट्टी में और फिर वह भट्टी धधकने लगती है। कढ़ाई में पड़ा कच्चा व्यंजन पकने लगता है, अपनी मादक महक से वह व्यंजन मुझे बेचैन कर देता है, मेरी भूख बढ़ती जाती है स्मृति के सुस्वादु व्यंजन से, मेरे अंतर मन का पोर पोर तृप्त हो जाता है, लेकिन मेरी भूख है कि मिटती ही नहीं जरा भी। तुम्हारी स्मृतियां ही ईंधन, स्मृतियों का ही बर्तन और स्मृतियों का ही व्यंजन, और फिर भी मैं भूखा असंतुष्ट। अब एक कविता है जो ये भी मैं चाहता हूं कि मैं सुना दूं, ये भी माँ की स्मृति में है और ये मुझे बहुत ही पसंद है ये कविता। शायद मैं एक आध बार और सुना चुका हूंगा या नहीं भी सुनाई होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कविता सुना दूं। इस कविता का शीर्षक है रीढ़ और नाक, जो मैंने अपनी माँ को श्रद्धांजलि स्वरूप लिखी है। रीढ़ और नाक, तुम और मैं, ये तीन हिस्सों में है कविता, जिसका पहला हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तुम और मैं नाभिनाल से नहीं जुड़े थे, तुम और मैं नाभिनाल से नहीं जुड़े थे, शायद हम जुड़े थे रीढ़ की हड्डी से। मेरी रीढ़ दरअसल तुम्हारी ही रीढ़ का विस्तार है, और इसीलिए यह दर्द भी तुम्हारा ही है जो मुझे विरासत में मिला है, दर्द जो सीधी रीढ़ वालों को होता है शायद, दर्द जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी उपस्थित है, दर्द जिसने मुझे और तुम्हें एकाकार किया हुआ है, दर्द जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी उपस्थित है, दर्द जिसने मुझे और तुम्हें एकाकार किया हुआ है, दर्द जिसने तुम्हें मुझ में जीवित रखा हुआ है, दर्द जो जीवन का शाश्वत संगीत है। अब दूसरा हिस्सा इसका, रीढ़ जो आदमी को आदमी बनाती है, रीढ़ जो ऊंची से ऊंची मंजिल पर और कठिन से कठिन समय में आदमी को सीधे खड़े रहने का हौसला देती है, रीढ़ जो सिर्फ होने भर से नहीं होती, रीढ़ जो अक्सर होते हुए भी नहीं होती, रीढ़ जो दुनिया में आदमी की सफलता में सबसे बड़ी बाधा भी है और साधन भी, रीढ़ जो संबल है, स्वाभिमान है, रीढ़ जो वीरों का अभिमान है, रीढ़ जो लचीली हो तो सफलता की कुंजी है, रीढ़ जो चापलूसों और चाटुकारों की पूंजी है, रीढ़ जो मुझ में तुम्हारी अस्थि मज्जा से बनी है, रीढ़ जो तुम्हारी मालिश से तनी है, रीढ़ जो लचीली हो तो सफलता की कुंजी है, रीढ़ जो चापलूसों और चाटुकारों की पूंजी है, रीढ़ जो मुझ में तुम्हारी अस्थि मज्जा से बनी है, रीढ़ जो तुम्हारी मालिश से तनी है। अब तीसरा हिस्सा इसका, सुना है रीढ़ और नाक का कोई संबंध है, सुना है रीढ़ और नाक का कोई संबंध है, जिनकी रीढ़ सीधी होती है उनकी नाक बहुत ऊंची होती है, जिनकी रीढ़ सीधी होती है उनकी नाक बहुत ऊंची होती है, दुनिया जिनकी रीढ़ नहीं झुका पाती उनकी नाक पर हमले करती है, और तुम भरपूर लड़ी अपनी नाक के लिए, अपनी सीधी और तनी हुई रीढ़ के साथ, और यही सिखाया जिनकी रीढ़ झुक जाती है उनकी नाक खुद ब खुद टूट कर गिर जाती है, जिनकी रीढ़ झुक जाती है उनकी नाक खुद ब खुद टूट कर गिर जाती है। अब दो कविताएं माँ पे सुनाई हैं, तो एक कविता मैं पिता पे भी सुनाना चाहता हूँ। पिता,
वो पिता जो मुझे साइकिल सिखाने के उपक्रम में गद्दी पकड़कर साथ साथ दौड़ते थे, अब वही पिता मेरे साथ चलने में थकने लगे हैं। वो पिता जो मुझे गिरने से बचाने के लिए साइकिल को अपने घुटनों पे लोकते थे, अब वही पिता अपने घुटनों की मालिश करने लगे हैं। वो पिता जो मुझे गिरने से बचाने के लिए साइकिल को अपने घुटनों पे लोकते थे, अब वही पिता अपने घुटनों की मालिश करने लगे हैं। वो पिता जो दुखी रहते थे मेरी गणित को लेकर, मेरे लिए गणित का अच्छा अध्यापक ढूंढते थे, अब वही पिता संतुष्ट हैं कि दुनियादारी के लिए जितना जरूरी है उतना जोड़ घटाओ गुणा भाग मैंने सीख लिया है। वो पिता सुना है पहले कभी जब वह बोलते थे तो कड़कती थी बिजलियां, ध्वस्त हो जाते थे प्रतिद्वंद्वी खेमे, अब वही पिता मुझे चुप रहने की नसीहत देने लगे हैं। तो ये कविता पिता पे थी। चलिए कविता और सुना रहा हूं। इसका शीर्षक है रसोई में खड़ी औरत। रसोई में खड़ी औरत के माथे पर चमकती पसीने की मोती नुमा बूंदें गवाह है उसके श्रम की और पुरुष के कायेपन की, कि वह समाज के श्रम के अधिकांश हिस्से को औरत के मत्थे मढ़कर खुद मालिक बन बैठा, संपत्ति का, श्रम का, गृहस्थी का और औरत की इच्छाओं का। औरत रसोई में खड़ी औरत के माथे पर चमकती पसीने की मोती नुमा बूंदें गवाह हैं उसके श्रम की और पुरुष के कायेपन की, कि वह समाज के श्रम के अधिकांश हिस्से को औरत के मत्थे मढ़कर खुद मालिक बन बैठा, संपत्ति का, श्रम का, गृहस्थी का और औरत की इच्छाओं का। उसके हाथों की बनी रोटी जिस आटे से पकाई गई है वह मात्र पानी से ही नहीं गूंथा गया, उसमें मिली है उसके श्रम की मिठास, उसके गुस्से की कड़वाहट, कि मैंने उसे देवी बनाकर उसके श्रम को हथिया लिया बेमोल। उसका रूखापन की माहवारी के कष्ट में भी वह खड़ी है रसोई की गर्मी में, ताकि भकोस सकूं मैं एक के बाद एक रोटियां अनेक। पत्नी के लिए जो मैंने लिखी है, यह कविता भी बिल्कुल निजी अनुभव से उपजी हुई कविता है। प्रेम कविता के रूप में आप इसे परिभाषित करना चाहें यदि, और ये उन मानकों पे खरी उतरे, तो इसे प्रेम कविता कहा जा सकता है। तो ये कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी हमदम मेरी दोस्त। तो प्रस्तुत है यह कविता। तुम्हारी शिकायत जायज है मेरी हमदम मेरी दोस्त, बिल्कुल जायज शिकायत है तुम्हारी कि मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखता। यकीन मानो मेरी दोस्त, मैं सिर्फ प्रेम कविताएं लिखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे हुस्न को शब्दों में ढालना चाहता हूँ, मैं हरदम तुम्हारी आंखों की गहराइयों में गोते लगाना चाहता हूँ। लेकिन एक तो यह कमबख्त नौकरी की मुश्किलात इश्क पर हावी रहती हैं, और दूसरा यह कि जब भी मैं तुम्हारी आंखों में झांकता हूं इनमें हजारों हजार दृश्य प्रतिबिंबित होते हैं। मुझे दिखाई देता है वह छोटा नंगा बच्चा जो शायद कई बखत का भूखा था, लेकिन फिर भी उसे भूख से ज्यादा खिलौने की वह दुकान अधिक परेशान कर रही थी जिस पर बाकी बच्चों की भीड़ लगी थी। मुझे दिखाई देती हैं वे जवान मुझे दिखाई देती हैं वे जवान बेवाएं जिन्होंने अपने शौहरों को केवल इसलिए खो दिया क्योंकि सीमा के दोनों तरफ की हुकूमतों की कुर्सियां शहीद सैनिकों की लाशों पर टिकी हैं। यकीन मानो मेरी दोस्त, मैंने कश्मीर से बड़े महंगे पर्दे मंगाए हैं और टांग दिया है उन्हें हमारे घर की खिड़की पर, ताकि खिड़की के उस पार की कमजोर तंग दिल दुनिया कतई न दिखाई दे,
लेकिन फिर उन पर्दों में से यकायक चूने रखता है जवान लहू, उसके रेशे रेशे से जिनसे होकर ठंडी और ताजी हवा अंदर आनी चाहिए। अचानक आने लगती है गोलियों और बमों की आवाजें, उनकी महीन कढ़ाई में एकदम से उभर आती हैं वे बूढ़ी सूनी पथराई आंखें, जिन्होंने अपने जवान बेटों को घर से जाते हुए तो देखा है, लौटते हुए नहीं। मेरी हमदम, मेरी दोस्त, यकीन मानो मैं तुम्हारी नर्म हथेली की गर्माहट को अपनी हथेली में महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन समाज में प्रचलित वह आचरण जो एक खास वर्ग के लोगों का छू जाना ही दूसरे को अशुद्ध कर देता है, मुझे बेचैन किए रहता है। मेरी दोस्त, समाज ने जिस तरह स्त्री देह को चमड़ी के रंग के आधार पर परिभाषित किया है, ये बात मुझे क्रोधित करती है। मेरी दोस्त, यकीन करो मेरी दोस्त, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में खोया रहना चाहता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी निश्चल आंखें ही हैं जो मुझे दुनिया को देखने की नई दृष्टि देती हैं, वह मंजर दिखाती हैं जो मुझे बेचैन किए रहता है। मेरी हमदम, मेरी दोस्त। और आप सबने मेरी कविताओं को सुना, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां जरूर दें। धन्यवाद।